मैंने इतना अच्छा ढाबा तो खोल लिया है इतने सारे पैसे लगा के, लेकिन अभी तक कोई कस्टमर ही नहीं आया है। वेट करती हूँ, शायद आ ही जाएंगे। आपने प्रॉमिस किया था, है ना? हाँ बिल्कुल बेबी, मैं खिलाऊंगा। हाँ चलो फिर। बेबी कहाँ जा रहा है आपका? कहीं नहीं बेबी। एक काम करते, आगे वाले रेस्टोरेंट से खाएंगे, यहाँ के अच्छे नहीं है, चलो। नहीं बेबी, यहाँ से खाएंगे, यहाँ के बिल्कुल हॉट होते हैं। नहीं नहीं, कोई हॉट नहीं होते, आगे से खाएंगे, चलो यहाँ से। नहीं बेबी, यहाँ से खाएंगे। मैं नहीं कहूंगी। खाएंगे चलो। अरे नहीं, मुझे फूड तो एक नंबर का था। मेरे को ना मेरी एक्स की याद आ गई, वो भी ऐसा इतना अच्छा खाना बनाती थी ना। अच्छा, एक्स की याद आ गई। एक काम करो ना फिर, एक्स के पास ही क्यों नहीं चले जाते? जाइए आप। थैंक यू। क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें एक्स की याद आती है? मेरे खाने की तो कभी याद नहीं आती तुम्हें। तुम खाना अच्छा कहाँ बनाती हो? अच्छा, मैं खाना अच्छा नहीं बनाती, तो एक काम करो ना, उसी के साथ चले जाते, वही खाना बना के खिला देगी तुम्हें। मैं तो चला जाऊंगा, तुम डिवोर्स दे दो। हेलो मैम, कैसा लगा आपको फूड एंड सर्विसेज? खाना तो एकदम अच्छा था, मैं तो भर पेट खाया, और सबसे अच्छा काम आपने आग जला के कर रखा है, बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। खाने की तो जो पूछो ही मत, मेरे को अपने माँ के हाथ के खाने की याद आ गई, स्वादिष्ट और एकदम देसी खाना। मैं पिछले 4 साल से इस शहर में अकेला रहता हूँ, लेकिन मेरे को मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा खाना कहीं भी नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ कि कल से मैं डेली यहाँ खाना खाने आऊंगा, लेकिन आप बस ऐसे ही खाना लाते रहना मेरे लिए। बिल सर। 100 प्लाट दीजिए। जी सर। थैंक यू। ये सही है, अब मेरे मुंह से ना 1 महीने तक बदबू नहीं आएगी दोनों बोतल भर की। पर यार ये थोड़ी सी तो रहेगी, इसको खा डालूं। हाँ फांकू। Come on now, I'm all cold.
खाना तो बहुत अच्छा था यहाँ का। सर मैम योर रिफ्रेशमेंट। हाउ वाज द फूड मैम? इट वाज वेरी गुड, थैंक यू सो मच। योर बिल सर। अरे ये क्या कर रही हो, गुड़ चुरा रही हो? मैंने किस चीज की कमी छोड़ रखी है घर में? अरे बात कमी की नहीं है, बात ना गुड़ की है, और इसमें तो हमारे ही प्रॉफिट है, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम ना फटाफट से गुड़ भर लो। अरे यार घर पे गुड़ इतना सारा रखा है। अरे तो वो तो खरीदा हुआ है ना, ये तो फ्री का है, और वैसे भी फ्री की ना कोई भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए, ये तो फिर भी गुड़ है, टेंशन मत लो। अरे यार होटल वालों का तो नुकसान होगा ना। कैसा नुकसान, कोई नुकसान नहीं होने वाला, और वैसे भी ये सब जो वो लाकर रख रहे हैं वो हमारे लिए तो है, अब हम इसे खाएं अपने साथ ले जाएं वो तो हमारे ऊपर है ना, हमारी मर्जी है। Anything else ma'am? Can you get us some more jaggery? Yeah sure ma'am. ना नहीं नहीं आप इसे यहीं रख दीजिए, दूसरा लाइए। Okay okay good। अरे ये जैगरी क्या होता है? गुड़ है, और क्या भरा मैंने, गुड़ी तो भरा है। पता नहीं तू और तेरी इंग्लिश दोनों ने मेरे को पागल बना दिया। हेलो, हाँ बाबू खाना खा लिया? अरे बाद में बात करता हूँ। ये ले एक काम कर, थोड़ा और गुड़ लिया। ठीक है। क्या जैगरी मैम? थैंक यू, यू कैन गो। यस सही सिस्टम है ना? अरे कम से कम मेरी रेपुटेशन के बारे में तो सोच लो, अगर किसी ने देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? रेपुटेशन? तुम्हारी रेपुटेशन मुझे गुड़ लाकर दे सकती है? बोलो हाँ नहीं ना, तो बस फिर चुपचाप से ना मैं जो करी मुझे वो करने दो, टांग मत अड़ाओ। अरे यार इतने का तो हमारा बिल भी नहीं है जितने का तुम गुड़ लेके चल रही हो। अरे तो इसमें तो हमारा ही प्रॉफिट है ना, और वैसे भी मैंने तुम्हारे पैसे की बचत करवा रही हूँ, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, और तुम मुझे ताने मार रहे हो। Anything else, ma'am? Anything else, sir? Some more jaggery, please. Sure, ma'am. वैसे एक बात तो है, सर्विस बहुत अच्छी इन लोगों की। लड़की ने एक बार भी मना नहीं किया कि मैं नहीं लाऊंगी, अच्छी है। सुन थोड़ा और गुड़ लिया, ये तो गुड़ी बहुत ज्यादा खाते हैं। भुक्कड़ है गई है। मैम योर जैगरी अगेन। थैंक यू। अरे बस भी करो अब तो मान जाओ, और कितना गुड़ लेके चलोगी? अरे तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके ना पूरा एक किलो इकट्ठा कर लूंगी अपने घर में, फिर तुम्हें दूध के साथ खिलाया करूंगी। अरे इतना सारा गुड़ रखा है मैं वो तो खाता नहीं, ये क्या खाऊंगा? तो कोई बात नहीं मैं अपनी मम्मी को भिजवा दूंगी, तुम मत खाना। एक तो फायदा करवा रही हो, ऊपर से मुझे ही सुना रहे हो, बंद भी नहीं हो रहा। इतना गुड़ भरोगे तो बंद कैसे होगा? एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा गुड़ और सौंफ मिलेगा? सौंफ चाहिए? हाँ जी। निकलो निकलो। चलो बच्चों। सही है ना छोटी? मम्मी बहुत सुंदर है ये रेस्टोरेंट। इतना सुंदर रेस्टोरेंट है ना मम्मी, है ना पापा? हाँ बेटा सुंदर तो बहुत है, लेकिन जी मुझे ये लग रहा है कि महंगा ना पड़ जाए ये। सुंदर तो है पर कभी मेरी जेब पे भारी ना पड़ जाए। क्या पापा आप भी हमेशा ना कंजूसियत ही दिखाते हो हर जगह। महंगा लग रहा है मुझे तो देखने में, है ना बेटा? वेलकम जी, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम मैम। हेलो जी। हेलो जी। हेलो जी। हाय। सच में बहुत सुंदर डेकोरेट किया हुआ आपने। हाँ सच्ची। हाँ बहुत अच्छा, रियल लाइट तो बिल्कुल मस्त लगा रखे आपने। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं अभी वेटर को भेज देती हूँ। रेस्टोरेंट तो सुंदर बना रखा है, रेट भी उसी हिसाब से मिलेंगे। क्या पापा हर जगह कंजूसी दिखाते रहते हो। हाँ जी मैडम बताओ क्या ऑर्डर लिखना है। कितनी जोर से बोल रहे हैं ये, बहरे हो गए हो क्या, कान फाड़ोगे क्या? जल्दी बताओ क्या ऑर्डर लिखना है। पास्ता। हाँ नाश्ता ही तो करवाने बैठे हम।
नहीं दे रखे पास्ता। देखो मैडम, इस टाइम नाश्ते का तो वक्त नहीं है, पर बच्ची के लिए मैं नाश्ता करवा दूंगा। पास्ता, पास्ता बोल रही है वो। पास्ता, पास्ता। मैं इनको इतनी देर से कह रहा हूँ नाश्ता मिल जाएगा मिल जाएगा, पर ये मानते नहीं है। मम्मी आप बोलो, मटर की सब्जी मिलेगी? हाँ अभी लेके आता हूँ। अरे वाह, इसको इसका पास्ता तो सुनाई नहीं दिया और मटर की सब्जी लेने तो बड़ी जल्दी भाग गया ये। मेरी फेवरेट सब्जी थी ना। बेटा तेरी मम्मी की बात तो मुझे भी सुननी पड़ती है, इस वेटर की तो क्या हिम्मत जो ये ना सुने। ये लीजिए मैडम पत्थर। पत्थर? 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 मैडम आपने पत्थर बोला तो पत्थर ही लेके आऊंगा ना। भाई साहब मैंने मटर बोली थी, पत्थर नहीं बोला था। चल एक काम कर, बिरयानी है। कुर्बानी? कुर्बानी नहीं मिलती गलिया, खाना मिलता है। पागल वागल तो नहीं है? पापा आप रहने दो। भैया आप एक काम करो, आप ना चिकन चिकन ले आओ, मैं ना चिकन खा लूंगी। क्यों मम्मी? चिकन खा लूंगी, है ना जी पापा? चिकन 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 खाएगी? घर से बाहर खाएगी तो पागल सबको पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे को चिकन खाना, मैं चिकन ही खाऊंगी। क्यों भैया? अरे कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बेटी को? अरे दीदी पक्का चिकन खाने गई है। अरे कहाँ लेके गया था ये पागल तुझे? मम्मी ये वेटर तो ना एक नंबर का बेवकूफ निकला। मैंने कहा कि मुझे चिकन खाना, मुझे ना किचन के अंदर लेके चला गया। किचन में? हाँ किचन में लेके गया। आप एक काम करो, यहाँ के ना ओनर को बुलाओ, हम उससे बात करेंगे। क्यों जी मैडम? यस यू। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आपका जो वो वेटर है वो बहरा है। अब एक बात बताओ, आपने उसे यहाँ सर्विस में क्यों लगा रखा है? जब उसको सुनाई नहीं देता, हम मांग कुछ रहे वो ला कुछ रहा है। अरे नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट वेटर। यस मैम बोलिए। वो मैम क्या है ना, इसको थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है, इसके कान खराब है और थोड़ा सा ना फाइनेंशियली वीक है ये, इसको पैसों की जरूरत है, बस इसलिए हमने जॉब पे रखा हुआ है। आप तो समझ ही सकते हो ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपका ऑर्डर ले लेती हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तू लिख के लिया करना ऑर्डर, ऐसे कैसे ले लेता है? ऑर्डर लिया कर, मैं पीता नहीं हूँ, बहुत शरीफ घर से हूँ मैं। जा निकल तू, मैं ले लूंगी ऑर्डर, निकल निकल। मैम एक काम करते हैं ना, आप लोग अंदर चले जाइए, बाहर बहुत ठंड हो रही है ना, और अंदर की भी सिटिंग बहुत अच्छी है हमारी। चलिए आइए मेरे साथ। ये 20 रुपए की बोतल 120 रुपए की देंगे, हम तो नॉर्मल पानी पी लेंगे, ठीक है? मना कर दे पानी का। मैडम हम ये पानी नहीं पीते, इस पानी को ले जाओ आप, जग वाला ले आना। ओके मैम, वैसे ये 20 रुपए की है, हम लोग 120 की नहीं देते हैं। मैडम वो फ्री वाला पानी पियेंगे तो। अब देखो ना ऑर्डर करो। अरे घर पे ऑर्डर आप देते तो यहाँ भी आप ही ऑर्डर दो। यस मैम ऑर्डर प्लीज। सना क्या खाओगे? मम्मा कुछ भी। आप क्या खाओगे? कुछ भी मंगा लो मम्मी, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। सॉरी मैम, कुछ भी तो हमारे यहाँ नहीं मिलता है, आप मेन्यू में देख के अच्छे से डिश ऑर्डर कर लीजिए। मटर पनीर मंगा लूं? नहीं वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ऐसा करते हैं समोसा मंगा लेते हैं। नहीं मटर पनीर मंगा लेते हैं। मटर पनीर मैं नहीं खाऊंगा। कढ़ाई पनीर मंगा लेते हैं। वो मैं नहीं खाऊंगी। फिर दाल मंगा लेती हूँ। नहीं मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगी। मैं ऑर्डर कर दूँ ना? हाँ अपने आप देख लेते हैं। रोटी तो 20 रुपए की ठीक है, थोड़ा सा और कम करा लेती हूँ। मैडम रोटी 20 रुपए की? नहीं नहीं मैम, रेट्स तो हमारे बिल्कुल ठीक है, आप देख लीजिए। मैडम हम खाने वाले चार और बहुत ज्यादा खाएंगे, तो प्लीज रेट थोड़ा ठीक लगा लो। ठीक है मैम आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं फाइनल बिल में आपको डिस्काउंट दे दूंगी। मैं तो मटर पनीर खाऊंगी भाई। एक पिज्जा? नहीं दो पिज्जा। नहीं एक मशरूम टिक्का। मैं पनीर टिक्का भी खाऊंगी। ऐसा करो मेरा मटर पनीर कैंसिल कर दो, मैं इन्हीं के साथ खा लूंगी। मम्मा गुलाब जामुन। मेरा मशरूम टिक्का कैंसिल करके है ना टिक्की कर दो यार। और मुझे ना साफ सुथरा खाना खाने की आदत है, समझ में आई बात? और वैसे ही ब्रो मेरे को ढाबे का खाना पसंद नहीं है, तो मैं चाइनीज खाऊंगा। और समथिंग इटालियन? अरे यार एक बार देसी खाना खा के तो देखो, तुम ना अपना ये इटालियन स्पेनिश चाइनीज सब भूल जाओगे। देखो वहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे देसी घी में खाना बनता है, जो कि मेरी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, समझे? इसलिए मैं नहीं जाऊंगी।
अरे वही तो, कि ये देसी घी से बना, एक बार खा के देख कितना स्वादिष्ट होता है ढाबे का खाना। चलो चलो अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। चलो से तो नहीं खाया जाएगा इतना घी वाला खाना, तुम लोग ही खा लो। मेरे से भी नहीं खाया जाएगा ये, हर जगह तो इसमें घी है, घी 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 लगा रखा है, कितना अनहाइजीनिक होगा। तुम्हारे तो ना नखरे ही पूरे नहीं होते, मैं तो खाता हूँ। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है और कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो एक काम करते हैं थोड़ा थोड़ा ना ट्राई कर ही लेते हैं, वैसे भी डाइट तो बाद में हो जाएगी है ना, ट्राई कर लेती हूँ। कैसा लगा ढाबे का खाना? अरे वाह रौनक, ये तो यार बड़ा अमेजिंग है। मैंने तो पहले ही बोला था कि ढाबे का खाना ये तो बेस्ट है। सही कह रहा है, थोड़ा सा और खा लेती हूँ। क्या रहता है यार, अभी ट्राई करती हूँ, पहले ये तो खत्म कर लूँ। भाई वो मेसी रोटी तो पकड़ा। अबे कहाँ रखे मेसी रोटी, तो बहुत अमेजिंग है रौनक सच्ची में। सही कह रहा था, हम इसकी बात मान लेनी चाहिए थी, और अच्छा ही हुआ हमने मान भी तो ली। बिल मैम, वैसे ना मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। वैसे तो मैं सिर्फ इटालियन और चाइनीज वगैरह फूड पसंद करती हूँ बाहर जाके, और मैंने ना कभी ऐसा खाना ट्राई भी नहीं किया है देसी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब मैंने ट्राई किया और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आगे से ज़रूर यहाँ आऊँगी, ज़रूर ट्राई करूँगी सारी चीज़ें दोबारा। अरे मैम, ये इटालियन और चाइनीज़ फूड खाते हैं, इन्हें क्या बताइए देसी फूड की वैल्यू क्या होती है और कितना टेस्टी होता है देसी फूड। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे हमारा फूड प्रिपेयर होता है और हमारे यहाँ की क्या स्पेशलिटी है। प्लीज़ कम, आइए सर, आइए मैम। तो ये है हमारी किचन, हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है कि सारा खाना हम लोग मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं, ये देखिए। रवि, और ये है हमारा तंदूर जिसमें हम तंदूरी चाय बनाते हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, ये है हमारे कुल्हड़ के कप्स जिनमें हम डाल के देते हैं तंदूरी चाय, आइए। और ये देखिए, यहाँ हमारा सारा कुकिंग का प्रोसीजर चलता है, और मैम यहाँ सिर्फ देसी खाना ही नहीं चाइनीज भी मिलता है आपका। सो कैसा लगा आपको हमारा कॉन्सेप्ट? जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, और सबसे बढ़िया बात लगी मुझे आपका हाइजीन जो आपने मेंटेन कर रखा है, मतलब इतनी साफ सफाई से खाना बनाते हो, सर्व करते हो, दैट इज वेरी गुड, लाइक सीरियसली वेरी गुड। आई होप यू विल विजिट अगेन। या फॉर श्योर, अगले हफ्ते आएंगे। चलिए ठीक है, हम चलते हैं। मैं देखूंगी। मेरा तो फाइनल हो गया, पनीर टिक्का। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी समोसा चाट लूंगी। मेरे चिल्ली पोटैटो। तो मैं मलाई चाप मंगा लेती हूँ। फिर सैंडविच भी मंगा लेते हैं। कोल्ड कॉफी भी मंगा लेते हैं। चाय भी मंगा लेंगे। चाय भी मंगा लेंगे। हॉट कॉफी और आइसक्रीम भी मंगा लेंगे। अरे मंगाने देना। ठीक है मंगा लेंगे। अरे मैं क्या कह रहा था, पकोड़े भी मंगा लेते हैं। आइसक्रीम के साथ पकोड़े खाएगा? अरे हाँ, नया एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई। हाथ जुड़वा लो भाई साहब, प्लीज हमसे गलती हो गई। वेटर,
हेलो मैम। हेलो सर, कैसा लगा आपको खाना? अच्छा था मैम। अच्छा था, थैंक यू। सो मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ बोली। अगर आपको ये खाना इतना ही पसंद आया तो ये इतना सारा खाना वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? अब देखिए, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो खाना खाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ज़बरदस्ती अपने पेट में ठूसेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैम, सर, मैं आपको बहुत देर से देख रही हूँ। आप लोगों ने एक साथ ही इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया है और फिर अब ये खाया भी नहीं है। देखिए, हमारे रेस्टोरेंट की एक पॉलिसी है कि हम लोग साथ साथ फ्रेश फूड सर्व करते हैं और विदाउट एनी डिले। तो मैम, आपको जो भी खाना चाहिए आप साथ साथ ऑर्डर कर सकते हैं और हम उसी टाइम आपको सर्व कर देंगे। लेकिन अगर आप एक साथ इतना सारा खाना मंगवा के और उसे ऐसे वेस्ट करेंगे तो आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप जानते हैं कितनी मेहनत से ये खाना बनता है, कितनी वैल्यू है इस खाने की। बाहर लोग बैठे हैं जिनको खाना मिलता भी नहीं है और आप लोग ऐसे खाना वेस्ट कर रहे हैं। अगर यही खाना हम उन्हें जाके देंगे वो इतना खुश होकर खाएंगे। और आप लोग इस तरह से, सॉरी टू से मैम, लेकिन आपको इस खाने की वैल्यू कैसे पता होगी? क्योंकि आपको तो 24/7 ही खाना अवेलेबल होता है। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए ना जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। और एक और बात, आप लोगों को पता भी है कि हमारे देश के किसान कितनी मेहनत से दिन रात काम करके ये फसल बोते हैं और आप लोग इस तरह से वेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों को देख के ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं और आपके पास बहुत पैसा है ये खाना अफोर्ड करने का। लेकिन इस तरह से खाना वेस्ट करना, सॉरी मैम, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मैं ये खाना पैक करवा देती हूँ, या तो आप लोग घर जाके खा लेना या फिर रास्ते में किसी ज़रूरतमंद को दे देना, वो भी खुश होगा और हम लोग भी। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? गाइस, रात के 2 बज रहे हैं, लिटरली अब जाके शूट खत्म हुआ है। हाँ जी, और हम ना बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं क्योंकि इन्होंने 2 बजे भी रात के हमें इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करी है, माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, अगर आप कभी भी यहाँ से जा रहे हैं तो जरूर विजिट करना। इसका नाम है देसी ढाणी रेस्टोरेंट, जो की है किसान चौक पर बहादुरगढ़ में। तो अगर आप कभी भी यहाँ से जाते हो या आसपास रहते हो तो यहाँ जरूर विजिट करना। बहुत टेस्टी खाना बनता है और देसी घी में बनाते हैं। और हाँ, और सबसे बढ़िया बात है कि इन लोगों का सैनिटेशन, मतलब बहुत ही साफ सफाई से करते हैं सब कुछ, और सब कुछ मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं। तो हमें तो यहाँ का खाना बहुत पसंद है, आप लोगों को भी जरूर पसंद आएगा। तो और रही बात वीडियो की, तो वीडियो आपको कैसी लगी वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वो मैंने बोल दिया था। और जो चैनल पर नया आया उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आपसे मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही। तो तब तक बाय 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 दोस्तों, कमेंट शॉर्ट सब्सक्राइब करना।